जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से सो ना सके उसको 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। शौहर और बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखें तो अल्लाह उन्हें मोहब्बत की नज़र से देखता है। जो औरत अपने शौहर को अल्लाह ताला की राह में भेजे वो जन्नत में अपने शौहर से 500 साल पहले जाएगी। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो उसके रिज़क में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत गैर मर्द को देखती है अल्लाह उस पर लानत भेजता है। जब औरत अपने शौहर के बगैर कहे उसके पैर दबाती है तो उसे 70 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। जो पाक दामन औरत नमाज रोज़े की पाबंदी करे और जो शौहर की खिदमत करे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। औरत के एक बच्चे के पैदा करने पर 75 साल की नमाज का सवाब और हर एक दर्द पर एक हज का सवाब है। बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्द से मिलने वाली औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इन 5 चीज़ों में जल्दी करो: मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। आज इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करें, हो सकता है ये बात किसी के दिल में उतर जाए। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत पर एक ज़माना आएगा, उनका मकसद पेट होगा, दौलत उनकी इज्जत होगी, औरत उनका किबला होगा, पैसा उनका दीन होगा, वही बदतरीन लोग होंगे और उनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह उस शख्स को सरसब्ज़ शादाब रखे जो मेरी हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुँचाए।